तो ये वाला वीडियो होने वाला है उस यहाँ पे, जैसा एंड्रॉयड का जो है, एंड्रॉयड का जैसे आपको जो तीन ऑप्शन मिलते हैं जो कि है मिनिमाइज़, या फिर रिसेंट टास्क, और या फिर बैक करना होता है, तो वो क्या होता है, कोई भी ऐप चल रहा होता है तो उसमें जो है आपका वो ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो आपका विंडोज़ 10 में जो है, या फिर विंडोज़ की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो है मेरे को कोई भी रिसेंट टास्क करना है, तो यहाँ पे जो भी रिसेंट टास्क मेरे ओपन है तो कितने फटाफट खुल जा रहे हैं, और इसमें लग भी रहा है कि जो मेरा काम हो रहा है तो उसका पूरा एडिटर मेरा राइट में है। तो बेसिकली ये एक टास्क बार को मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम बॉटम टू राइट, तो ये जो टास्क बार है इसको बस शिफ्ट करना है। तो और जो मैकबुक का जो शॉर्टकट्स रहते हैं, या फिर मेन ऐप रहता है उसका जो लोकेशन रहता है नीचे रहता है, पर विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यहाँ पे काफ़ी इजी रहता है, ठीक है, यहाँ से एक्सेस करना। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है, और इसको मतलब एंड्रॉयड की तरह थोड़ा सा आप एफिशिएंट बना सकते हो विंडोज़ 10 को। इसमें विंडोज़ 10 में काफ़ी कूल फीचर्स है, लेकिन विंडोज़ 10 ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करते, सो इस बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टास्क बार में राइट क्लिक करना है, आपके बॉटम पे होगा, मेरा राइट पे है, आपका कहीं पे भी हो। सो यहाँ पे टास्क बार सेटिंग नाम का ऑप्शन निकल रहा है। सो लैपटॉप थोड़ा अटक रहा है क्योंकि बहुत सारा ऐप ओपन है ना। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एडिटर की तरह लग रहा है, मेरा राइट में सारे ऑप्शन है, मिनिमाइज, मैक्सीमाइज, या फिर स्टार्ट का, तो काफ़ी अच्छा शॉर्टकट मिल जाता है मेरे को, और काफ़ी प्रोफेशनल फील भी होता है वाइल यूजिंग लैपटॉप। तो यहाँ पर टास्क बार सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है टास्क बार लोकेशन स्क्रीन पे, दिखा रहा हूँ, लेकिन टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे आपको टॉप में करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा चेंज हुआ है कि नहीं। सो ये अब टॉप में हो चुका है, ठीक है। तो टॉप में भी आप शिफ्ट कर सकते हो ये अपना, ठीक है, और बॉटम पे भी, या फिर लेफ्ट में भी, डिफ़ॉल्ट बॉटम पे रहता है, तो बेटर कि आप टॉप में या फिर राइट में कर ले तो ज़्यादा सही रहता है। तो अब देखो, जब भी रिसेंट टास्क जब ओपन करोगे तो ऐसा कुछ ओपन होगा, तो आई रिकमेंड कि आप थोड़ा राइट में ही रखो तो बहुत सही रहेगा, और स्टार्ट वगैरह भी जब आप ओपन करोगे तो बहुत सही आपको एक्सपीरियंस जो है मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट ऐसे जो आप शिफ्ट कर सकते हो और आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और आपका जो विंडोज़ 10 जो रन हो रहा होगा वो मतलब आपको फील होगा कि किसी एडिटर के अंदर है ये टास्क बार के अंदर, वहाँ से आप जल्दी जल्दी शॉर्टकट्स अपने एक्सेस कर पाओगे। सो होप ये आपको पसंद आए, और मिलते हैं नई वीडियो में।